काम नहीं, उठते ही बाथरूम तेरा रोज जाना जरूरी होता है। तीसरे बंदों के बाद जा रहा हूं। फिर तू धमाके करता है और बाहर आवाजें आती है। पराठों की खुशबू आ गई है। पराठे रेडी हो गए हैं, बॉयज सारे उठ गए हैं, गाने डाउनलोड हो रहे हैं। हसन क्या कर रहा है? गेम खेल रहे। ये गाने डाउनलोड करने बैठा था। बाहर आ जाओ, खाना लग गया। आज है जी मेहंदी वाला दिन और तैयारियां फुल चल रही हैं घर वालों की भी। फिलहाल मुझे तो गर्ज है नाश्ते से। ये सारा मेहंदी का सामान पड़ा है जो जवाद साहब उठा के लेके जाएंगे। हैं जवाद साहब, ये पता नहीं अम्मी क्या क्या कुछ लेके आई हैं, डालों में भर के आए। ओए हाय हाय हाय, ये कितना प्यारा है यार। नाश्ते में क्या है? आलू अंडे हैं, साग है और परांठे हैं। आज पूरा दिन मैंने करना है सिर्फ चिल। आहा महाराजा साहब, चिल। तुम्हारे आज के क्या क्या काम है, क्या क्या काम बांटे तुमने आपस में? गड्डियां तो आनियां ने, गानों की लिस्ट बनानी है। वो नहीं इधर से, वो नहीं इधर से बन रही कल की। वो जब फूल लगाने थे सीढ़ियों पे, वो किसने देखे थे? नहीं ठीक, वो नहीं पसंद है, वो वापस करा दिया। उसको बता दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि वो अगर रमजान ने कहा था रेड और व्हाइट कलर चाहिए, वो नहीं लेके आया। नहीं, वो उसे बता दिया कैसा करना है। हाँ। बस अच्छा, वो जो बात, वो जो वो वाली लड़ी होती है बीच में पतला सा स्ट्रा टाइप होता है। हाँ। ग्रीन कलर का साइड में वो होती है, वही ना। उनको बता दिया ना क्या चाहिए? हाँ, ये ऑलिव ऑयल वाला लेके आ रहे हैं, दे दे। ठीक है, मेरा पराठा, चाय भी, चाय भी। इनके देसी देसी घी वाले पराठे हैं। ओए तुझे क्या हुआ? खाना खाया इसलिए ऐसे लेटे? पिछले तीन घंटे से मैं अपने रूम में चिल कर रहा हूँ। नीचे पूरा घर जो है वो तैयारियों में लगा हुआ है। कोई मतलब वो जो शादी वाला घर नहीं होता, जो हमेशा मैंने चीज देखी है, भाग ये कपड़े उठाओ वो कर। आज भाई कपड़े इस्त्री होके कमरे के दरवाजे पे आके मिल रहे हैं। मैं तीन घंटे से इस कमरे से बाहर नहीं निकला। खैर अभी मेहंदी है एक घंटे के अंदर, तो मैं अभी रेडी होने लगा हूँ। मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं वो भी पहुँच चुके हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। अम्मी लोगों की भी इस तरह आज बहुत इस तरह के मेहमान आए तो वो सारे पहुँचे। उनको सबको हसन ने, जेडी ने, बंटी वगैरह ने, सारों ने मैनेज किया। मैं अपने रूम में चल मारता फिर हूँ। खैर उसके अलावा वासिफ की टीम पूरी पहुँच चुकी है। अभी एक घंटे में मेहंदी है, मैं सिर्फ अभी तैयार होने लगा हूँ, नहाऊंगा धोऊंगा रेडी होऊंगा। नहीं जी, डेनियल वेलकम, कैसा सफर रहा? वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा सफर रहा। सही है, डेनियल आए हैं कॉस्मो सैलून से और कॉस्मो के मेरे ख्याल मेन स्टाइलिस्ट आप हैं। सीनियर स्टाइलिस्ट। तो अभी शुरू करें आज मेहंदी। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रफ लुक दें मेहंदी पे। चलें बैठते शुरू करते हैं। वॉशरूम में बसेरा डाल लिया आज डेनियल, थोड़ी सी रफ लुक रखते हैं ताकि रिसेप्शन पे जो है ना वो हमारी कोई मेन लुक हो तो उसमें वो फर्क आ रहा हो। आज बाय द वे मैंने शेव वगैरह भी नहीं करवानी क्योंकि मेहंदी पे जितना रफ हो उतना अच्छा है। तो अभी तक हमें स्टाइलिंग करते हुए तकरीबन कोई 10-15 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए हैं। अभी एक रफ लुक आ चुकी है, इसको अब जरा फाइन लुक के अंदर लेके जा रहे हैं। डन, ओके। ले जी भाई इज रेडी फॉर मेहंदी। और भाई की मेहंदी लुक है कुछ इस तरह की। ये हमारा एक चमकता धमकता प्रिंस कोट और साथ में डेनियल ने बहुत अच्छी स्टाइलिंग की है। अभी बस मैं जा रहा हूँ नीचे, सब रेडी है। ओके जी, इससे आगे कैमरा मेरे हाथ में नहीं रहेगा, जो भी होगा आपको नजर आ जाएगा। और घर में सारी सीढ़ियाँ ऐसे सज चुकी हैं। भाई वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, मुझे अभी गाड़ी में ही बैठने की इंस्ट्रक्शंस है। बाहर ढोल काम शुरू हो चुका है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं निकाल। फिर थोड़ी देर बाद मुझे गाड़ी से निकाला, उसके बाद भी ढोल डांस ये डेडी वगैरह ये सारे पागल हो गए। इतना डांस।
चेक कर लो। अंदर पहुंचने के बाद फिर डांस 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 और इतना डांस कि इन बॉयज की जो हालत हुई वो आपके सामने। अच्छा यार, मेहंदी के बाद हम लोग आए हैं कॉफी पी रहे हैं। कैसी रही मेहंदी यार? बहुत मजे की, बहुत मजा आया सारा। तो भी मजे का था हाँ, शुक्र अल्लाह का। सबसे मजे का था असद में, असद बीच टाइम है, असद बंटी जवाद वो है वहाँ पे भी सामान समून पैक करते फिर है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सारे दोस्त दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं उनमें सामने खा रहे ज्यादा। तला ना होता तो आज खाना ना सर्व होता, असद ना होता तो आज माहौल ना बनता, बाकी सारे ना होते तो खैर कुछ भी ना होता, लेकिन असद ने ओए ओए गेम उठाई है। और हमारे चाचू ना होते तो लड़ाई हो जाती कैमरे के पीछे चाचू। इवेंट पे कोई कुछ करता था ना, मैं चाचू को कहता था घूरी मार दे। ओके भाई टाटा मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट।
लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, फंक्शन हमारा खैर खैरियत से हो गया और अभी बस मैं सोऊंगा क्योंकि रात का सवा एक हो रहा है और सुबह 5 बजे उठना है और तैयार होना है और फिर निकलना है क्योंकि आगे जो हमारा बारात का सफ़र है वो तकरीबन 4.5 घंटे का है। तो मैं तो सोने लगा हूँ, बाकी सारे बॉयज़ अभी अपने अपने काम जो भी उनके ज़िम्मे उन्होंने लिए हुए वो सब करेंगे। और मैं फिर यार मेरे जैसे दोस्त अल्लाह नसीब वालों को दे, आज जो इन्होंने गेम उठाई है, मतलब हर काम हर एक एक मुझे पता ही नहीं लग रहा मेरी शादी कैसे हो रही है। हसन वो तो भाई है, उसका तो बनता है भाइयों का, उसके अलावा दोस्त एक मतलब कसर ही कोई नहीं छोड़ी। खैर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, वेशल भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखे आ, ये तो सच्ची समा भी हसी।